हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि किसी सिस्टम के लैग्रेंजियन फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। लैग्रेंजियन फंक्शन को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। किसी सिस्टम का जो लैग्रेंजियन फंक्शन होता है एल, वो थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन होता है। पहला वेरिएबल है यहाँ पर क्यू के, जिसे हम बोलते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। दूसरा वेरिएबल होता है क्यू के डॉट, जिसे हम बोलते हैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी। और तीसरा वेरिएबल होता है हमारे पास टाइम। और जो लैग्रेंजियन होता है सिस्टम का, वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को टी से डिनोट करें और पोटेंशियल एनर्जी को वी से डिनोट करें, तो लैग्रेंजियन होगा हमारे पास टी माइनस वी। और यहाँ पर जो ये दो वेरिएबल्स है क्यू के एंड क्यू के डॉट, वो किस तरह से रिलेटेड है आपस में। क्यू के डॉट जो होता है हमारे पास, उसे हम डी क्यू के बाय डी टी लिख सकते हैं। डॉट जो है यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्यू के को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्यू के एंड क्यू के डॉट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स, लग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। वो होती है हमारे पास डी बाई डी टी करली एल बाई करली क्यू के डॉट माइनस करली एल बाई करली क्यू के इज इक्वल टू जीरो। इस लग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके एटवुड मशीन को सॉल्व किया था, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व किया था, सिंपल पेंडुलम को सॉल्व किया था। हमने इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके इन सभी प्रॉब्लम्स की इक्वेशन ऑफ मोशन को है फाइंड आउट किया था। बट स्टूडेंट्स, लग्रांजियन फंक्शन दैट इज लग्रांजियन मैकेनिक्स में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर क्यू के एंड क्यू के डॉट जो हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है। हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसी बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पर हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हम लग्रांजियन फंक्शन का मीन्स लग्रांजियन मैकेनिक्स का यूज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी लिमिटेशन ये है लग्रांजियन मैकेनिक्स की कि ये जो लग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर डी बाय डी टी है, करली बाय करली क्यू के डॉट है, तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जो लग्रांजियन मैकेनिक्स है वो क्वांटम मैकेनिक्स में फिट नहीं बैठती है। लग्रांजियन मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स, इसलिए हमें क्लासिकल मैकेनिक्स की एडवांस ब्रांच की तरफ जाना पड़ता है, जो कि होती है हमारे पास हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। और हमें बात करनी पड़ती है हैमिल्टोनियन फंक्शन की। जो हैमिल्टोनियन फंक्शन है वो लग्रांजियन फंक्शन का ही एक एडवांस फॉर्म है। लग्रांजियन मैकेनिक्स की जो एडवांस फॉर्म है वो है हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। हमें पता है कि जो सिस्टम का हैमिल्टोनियन होता है H, वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। टोटल एनर्जी होगी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर जो हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है वो तीन वेरिएबल्स का फंक्शन होता है, क्यू के विच इज अगेन जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ये है पी के जो कि है जनरलाइज मोमेंटम, और यहाँ पर है टाइम टी। ये तीनों वेरिएबल जो हैं वो तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, पी के डॉट इज इक्वल टू माइनस करली एच बाय करली क्यू के एंड क्यू के डॉट इज इक्वल टू करली एच बाय करली पी के, दीज आर हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप देख सकते हैं कि दोनों हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, जिसे सॉल्व करना यहाँ पर इजी रहता है। और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में पूरी तरह से फिट बैठती है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम बहुत बार हैमिल्टोनियन फंक्शन का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लग्रांजियन मैकेनिक्स से हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, लग्रांजियन फंक्शन को हैमिल्टोनियन फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्यू के है, यहाँ पर भी क्यू के है, यहाँ पर क्यू के डॉट है, यहाँ पर हमारे पास पी के है, और यहाँ पर हमारे पास टाइम है, यहाँ भी हमारे पास टाइम है।
तो एक ही वेरिएबल का डिफरेंस है यहां पर क्यूके डॉट है और यहां पर पीके है, तो हमें क्या करना होगा, क्यूके डॉट को रिप्लेस करना होगा बाय अ न्यू वेरिएबल पीके। तो हमारा जो लैग्रेंजियन है वो हैमिल्टोनियन मींस एक न्यू फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और इसके लिए हम जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। मींस आप लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके लैग्रेंजियन फंक्शन क्यूके क्यूके डॉट कॉमा टी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसमें, हैमिल्टोनियन फंक्शन में, जो कि तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन होगा। तो यहां पर आपने अप्लाई करनी है लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। तो लेजेंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है, ये हेल्प करती है हमें टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लैग्रेंजियन फंक्शन टू हैमिल्टोनियन फंक्शन। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f(x,y), ये हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y का फंक्शन है। अब आप क्या करना चाहते हैं, यहां पर एक वेरिएबल जो है वो चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने x को u में ट्रांसफॉर्म करना है, और ऐसा करने पर जो आपका फंक्शन है f वो एक न्यू फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उस फंक्शन को हम मान लेते हैं g, और g होगा हमारे पास फंक्शन ऑफ x की जगह u आ जाएगा, और y को आपने सेम रखना है। तो यहां पर हमने क्या किया, बेसिस ऑफ वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को अदर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक मैथमेटिकल टेक्निक के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। और लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये बताती है कि f और g के बीच में क्या रिलेशन होगा, f और g के बीच में ये रिलेशन होगा, g विल बी इक्वल टू f मींस ओल्ड फंक्शन माइनस आपने जो हमारा ओल्ड वेरिएबल था x, और जिसको आपने न्यू वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर दिया, u में ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसका प्रोडक्ट यहां पर लेना है आपको। सो g विल बी इक्वल टू f माइनस xu, f है हमारे पास ओल्ड फंक्शन, इसमें से आपने माइनस करना है ओल्ड वेरिएबल मल्टीप्लाई जो हमारा न्यू वेरिएबल है u उसको। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स इसमें आप थ्योरी में क्या लिख के आएंगे एग्जाम में, आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप हेडिंग बना लीजिए लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। We know that Lagrangian L of the system is given by किसी भी सिस्टम का जो Lagrangian function होता है वो होता है हमारे पास L, which is the function of three variables qk, qk dot and t। और Lagrangian function जो है किसी सिस्टम का difference of kinetic energy and potential energy को represent करता है। kinetic energy t है, potential energy v है। यहाँ पर qk जो है वो है generalized coordinate, qk dot जो है हमारे पास generalized velocity है, qk dot जो है वो dqk by dt को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉट का मतलब ये है कि हमें फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ qk लेना है। t यहाँ पर टाइम है, कैपिटल t यहाँ पर कनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, v यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन एज, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स जो है पूरी की पूरी इस इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड होती है, जो कि है d by dt of curly L by curly qk dot minus curly L by curly qk is equal to zero। इस लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने एटवुड मशीन को सॉल्व किया था, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हमने उन सभी के इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो फाइंड आउट किए थे। बट यहाँ पर हमारे पास लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन तो यही है कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि क्यूके डॉट जो है वो क्यूके पर डिपेंड कर रहा है। हेयर क्यूके एंड क्यूके डॉट आर नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जबकि हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसी बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है जहां पर हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम इस लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तीसरी लिमिटेशन ये थी कि लैग्रेंजियन मैकेनिक्स जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में फिट नहीं बैठती है, क्योंकि लैग्रेंजियन मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स, इसलिए हमें हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। द हैमिल्टोनियन एच ऑफ द सिस्टम इज गिवन एज, किसी भी सिस्टम का हैमिल्टोनियन जो है वो सिस्टम की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन होता है। पहला है क्यूके, दूसरा है पीके, और तीसरा हमारे पास टाइम टी।
क्योंकि यहाँ पर अगेन जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, पी के यहाँ पर जनरलाइज मोमेंटम है और टी जो है वो यहाँ पर टाइम है। यहाँ पर तीनों के तीनों वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और जो हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है वो होती है हमारे पास पी के डॉट इज इक्वल टू माइनस कर्ली एच बाय कर्ली क्यू के एंड क्यू के डॉट इज इक्वल टू कर्ली एच बाय कर्ली पी के। ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है जिसे हम बहुत इजिली सॉल्व कर सकते हैं और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स से हम क्वांटम मैकेनिक्स के काफी सारे लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो अगर आपने लग्रांजियन फंक्शन को हैमिल्टोनियन फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करना है, अगर आपने हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की तरफ शिफ्ट होना है फ्रॉम लग्रांजियन मैकेनिक्स, तो आपको क्या करना होगा, इस क्यू के डॉट को रिप्लेस करना होगा विद वेरिएबल पी के। और इसके लिए हम क्या करेंगे, लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे जो कि क्यू के डॉट को पी के से रिप्लेस कर देगी और लग्रांजियन फंक्शन जो है एक नए फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जो कि हमारे पास हैमिल्टोनियन फंक्शन। मींस लग्रांजियन फंक्शन को हम लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हैमिल्टोनियन फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम बेसिस चेंज कर रहे हैं फ्रॉम वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू अनदर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स है क्यूके क्यूके डॉट एन टी, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास क्यूके पीके एन टी और लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन यही करती है, इट चेंजेस द बेसिस फ्रॉम वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू अनदर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिखेंगे लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन की, लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज्ड टू चेंज द बेसिस फ्रॉम वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू अनदर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप इसमें और क्या ऐड करके आएंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे। लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, बी अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो हमने यहां पर एक फंक्शन कंसिडर किया एफ जो कि एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है। द डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन एफ कैन बी रिटन एस, अगर हमें इसे इसका डिफरेंशियल लेना हो तो हम कैसे लेंगे, एफ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एफ, क्योंकि एफ दो अलग अलग वेरिएबल्स का फंक्शन है तो हम पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स, प्लस फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एफ का विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड वेरिएबल दैट इज वाई इंटू डी वाई। तो ये होगा हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन एफ, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स को यू मान लेते हैं और कर्ली एफ बाय कर्ली वाई को वी मान लेते हैं, ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। अगर हम सेकेंड इक्वेशन को यूज करें फर्स्ट इक्वेशन में तो डी एफ क्या बन जाएगा, यूजिंग टू इन वन वी गेट डी एफ इज इक्वल टू कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स को हमने यू मान लिया इंटू डी एक्स, प्लस कर्ली एफ बाय कर्ली वाई को हमने वी मान लिया इंटू डी वाई, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो हमारा फंक्शन था इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स थे एक्स और वाई, अब हम क्या करेंगे इस पहले वेरिएबल एक्स को एक अनदर वेरिएबल यू से रिप्लेस करेंगे और वाई को एज इट इज ही रहने देंगे। ऐसा करने पर क्या होगा, जो हमारा फंक्शन एफ था वो एक न्यू फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उस फंक्शन को हम न्यू फंक्शन को हम नाम देंगे जी फंक्शन। सपोज वी वॉन्ट टू चेंज द बेसिस फ्रॉम एक्स वाई टू यू वाई, पहले हमारे बेसिस थे एक्स और वाई, अब हम क्या कर रहे हैं एक्स को यू से रिप्लेस कर रहे हैं और वाई को एज इट इज रहने दे रहे हैं, मीन्स एक्स वाई बेसिस को हम न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स यू एंड वाई में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो उससे होगा क्या, हमें एक नया फंक्शन मिलेगा जी जो कि न्यू कोऑर्डिनेट्स यू और वाई का फंक्शन होगा, बी अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यू एंड वाई सच दैट, हमारे पास ये फोर्थ इक्वेशन है। और जो जी और एफ के बीच में रिलेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जी जो होगा वो होगा हमारे पास ओल्ड फंक्शन एफ माइनस जो हमारा न्यू वेरिएबल है यू इनटू जो हमारा ओल्ड वेरिएबल है जिसको हमने यू से रिप्लेस किया है वो यहाँ पर आपको लेना है। तो जी इक्वल टू होगा हमारे पास एफ माइनस यू एक्स, ऐसा नहीं है कि आप जी को सिर्फ एफ माइनस यू एक्स ले सकते हैं, आप जी को यू एक्स माइनस एफ भी ले सकते हैं क्योंकि बुक्स में आपका जी इक्वल टू एफ माइनस यू एक्स से ही आगे सॉल्व किया हुआ है, तो हम जी इक्वल टू एफ माइनस यू एक्स लेके ही एग्जाम में करके आएंगे। बट ये जो फॉर्म है जी इज इक्वल टू यू एक्स माइनस एफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें उस रिलेशन तक ले जाएगी, कौन से रिलेशन तक, जो रिलेशन होता है लग्रांजियन फंक्शन और हैमिल्टोनियन फंक्शन के बीच का रिलेशन, उस फंक्शन तक हमें ये लेके जाएगी। तो ये हम सिर्फ समझने के लिए पढ़ेंगे बट एग्जाम के लिए आप इसी ही लेके चलेंगे g इज इक्वल टू एफ माइनस यू एक्स। तो स्टूडेंट्स इसे हम 5a दे देते हैं, इसे हम 5b इक्वेशन दे देते हैं। टेकिंग डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 4 वी गेट टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ
इक्वेशन फोर वी गेट, इक्वेशन फोर का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, जी का डिफरेंशिएशन होगा डी जी, जी यहां पर यू और वाई दोनों का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, पहले जी का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे यू के रिस्पेक्ट में इंटू डी यू, प्लस फिर हम जी का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इसके रिस्पेक्ट में सेकेंड वेरिएबल वाई के रिस्पेक्ट में इंटू डी वाई, ये हमारे पास होगी सिक्स्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फाइव ए का डिफरेंशियल लेंगे, इक्वेशन फाइव ए हमारे पास ये है, तो जी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास डी जी इज इक्वल टू, एफ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास डी एफ माइनस यू इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, तो हम कैसे लगाएंगे, पहले हमने यू को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन किया प्लस फिर हमने x को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन किया, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो dg की वैल्यू आ जाएगी आपके पास df माइनस u dx माइनस x du, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 7। अब हमारे पास df की वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें कहां पर है, ये थर्ड इक्वेशन में हमने df की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, df की ये वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 इन 7 वी गेट dg इज इक्वल टू, dg इज इक्वल टू df की वैल्यू हमारे पास u dx plus v dy, उसके बाद हमारे पास माइनस u dx माइनस x du, तो आप क्या करेंगे यहां पर u dx से u dx कैंसिल हो जाएगा, तो dg आ जाएगा हमारे पास v dy माइनस x du, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं dg इज इक्वल टू माइनस एक्स डी यू पहले लिख दिया और वी डी वाई को आपने बाद में लिख दिया, ये एट्थ इक्वेशन होगी, तो डीजी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर भी आई हुई है एट्थ इक्वेशन में और डीजी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर भी आई हुई है सिक्स्थ इक्वेशन में, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, कंपेयरिंग सिक्स एंड एट वी गेट, देखिए यहाँ पर डी यू के साथ लिखा हुआ है कर्ली जी बाय कर्ली यू और यहाँ पर डी यू के साथ लिखा हुआ है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, कर्ली जी बाय कर्ली यू के बराबर आ गया, और जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस करली जी बाय करली यू और यहाँ पर dy के साथ यहाँ पर v लिखा हुआ है और यहाँ पर dy के साथ लिखा हुआ है करली जी बाय करली y। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा ओल्ड वेरिएबल था x और जो हमारा न्यू वेरिएबल था u, उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, x इक्वल टू माइनस करली जी बाय करली यू, इस तरह से आप ऑब्टेन कर सकते हैं ओल्ड वेरिएबल को न्यू फंक्शन जी से, और इसी तरह से अगर आपने न्यू वेरिएबल को ऑब्टेन करना है ओल्ड फंक्शन एफ से तो आप ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स इज इक्वल टू यू से, तो आप लाइन लिखेंगे नीचे दीज आर नेसेसरी रिलेशंस फॉर लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, तो एग्जाम में तो आपको यहां तक करके आना है, अगर आप ये वाली फॉर्म लेते हैं समझने के लिए तो इसके साथ क्या क्या प्रोसीडिंग्स होंगी क्या क्या चेंजेस आएंगे आइए वो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले 5a का डिफरेंशियल किया था, अब हम क्या करेंगे 5b का डिफरेंशियल करेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ 5b वी गेट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dg इज इक्वल टू ux, यहां पर u इनटू v रूल लगाएंगे u पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस x को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन किया माइनस f, f का डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास df, इसे हम दे देते हैं 7a इक्वेशन, तो हमें df की वैल्यू पता है थर्ड इक्वेशन में हमें मिली हुई है df की वैल्यू यहाँ पर, तो हम df की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, यूजिंग 3 इन 7 a वी गेट dg इज इक्वल टू u dx ऐसे रहेगा x du ऐसे रहेगा माइनस df की वैल्यू है u dx प्लस v dy, माइनस साइन है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा dg इज इक्वल टू u dx प्लस x du माइनस u dx माइनस v dy, तो हमारे पास यहाँ पर u dx से u dx कट जाएगा तो dg की वैल्यू आ गई x du माइनस v dy, ये हमारी 8th इक्वेशन होगी, dg की वैल्यू हमने यहाँ पर ऑप्टेन कर ली, एक dg की वैल्यू सिक्स इक्वेशन में ऑप्टेन की हुई है, तो अगर हम सिक्स और एट इक्वेशन कंपेयर करें तो कंपेयरिंग सिक्स एंड एट ए वी गेट, तो यहाँ पर du के साथ लिखा हुआ है x और यहाँ पर लिखा हुआ है करली g बाय करली u, तो x की वैल्यू ये आ गई और यहाँ पर dy के साथ लिखा हुआ है माइनस v और यहाँ पर dy के साथ लिखा हुआ है करली g बाय करली y, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस करली g बाय करली वाई। तो स्टूडेंट्स अगर हम g इक्वल टू एफ माइनस यू एक्स ना लेके g इक्वल टू यू एक्स माइनस एफ लें तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन में साइन का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस करली g बाय करली u आ रहा था, यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू करली g बाय करली u आ रहा है, यहाँ पर प्लस का साइन है यहाँ पर माइनस का साइन है, जबकि यहाँ पर v इक्वल टू करली g बाय करली y है जबकि यहाँ पर आ रहा है v इक्वल टू माइनस करली g बाय करली y, तो आपकी मर्जी आप कोई भी फॉर्म लेके कर सकते हैं बट बुक में क्योंकि ऐसे दिया हुआ है तो आप एग्जाम में ऐसे ही करके आइएगा, ये आपको क्यों बताया गया है ताकि आप
जो लग्रांजियन और हैमिल्टोनियन फंक्शन के बीच का रिलेशन है उसे अच्छे से समझ पाए। हमारे पास लग्रांजियन फंक्शन था थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन क्यूके क्यूके डॉट कॉमा टी, और अगर हम इस पर लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो एक न्यू फंक्शन में बदल जाएगा हैमिल्टोनियन फंक्शन जो कि क्यूके पीके और टी का फंक्शन होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, क्यूके डॉट को हम पीके में चेंज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन एच और एल में क्या रिलेशन होगा, हमारे पास जो नया फंक्शन होगा यहाँ पर, नया फंक्शन यहाँ पर जी था, यहाँ पर नया फंक्शन एच है, तो एच विल बी इक्वल टू यू इंटू एक्स, मीन्स जो हमारा न्यू कोऑर्डिनेट है पीके इंटू हमारा एक्स, यहां पर ओल्ड कोऑर्डिनेट था, यहां पर हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट है क्यूके डॉट, और माइनस यहां पर क्या है ओल्ड फंक्शन, ओल्ड फंक्शन हमारे पास एल है। तो ये है हमारे पास रिलेशन बिटवीन हैमिल्टोनियन एंड लग्रांजियन जो कि हम बहुत बार बहुत सारे टॉपिक्स में यूज करते हैं, ये रिलेशन कहां से आया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से ये रिलेशन आया है जो हम बहुत सारे टॉपिक्स में यूज करते हैं, इसलिए आपको ये वाला पार्ट करवाया गया है। और यहां पर अगर आप देखें x इक्वल टू करली g बाय करली u आ रहा है हमारे पास, और v इक्वल टू आ रहा है हमारे पास माइनस करली g बाय करली y। x हमारा ओल्ड वेरिएबल था, यहां पर ओल्ड वेरिएबल क्या है क्यूके डॉट है, तो क्यूके डॉट विल बी इक्वल टू करली g, हमारे पास न्यू फंक्शन था, यहां पर हमारे पास न्यू फंक्शन h है, करली h बाय करली u हमारे पास क्या है न्यू वेरिएबल है, न्यू वेरिएबल pk है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ये हमारे पास क्यूके डॉट की वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। तो हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है क्यूके डॉट इक्वल टू करली एच बाय करली पी के, वो आप लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन से भी इस तरह से शो कर सकते हैं कि जो हमने ये काम किया सारा वो बिल्कुल करेक्ट किया है, क्योंकि ये रिजल्ट जो है हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन क्यूके डॉट इक्वल टू करली एच बाय करली पी के से बिल्कुल मैच कर रहा है। और ये है हमारे पास रिलेशन बिटवीन एच एंड एल। अगर हमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स चेंज करने हो, क्योंकि के की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3 एंड कुछ भी हो सकती है, तो आप यहाँ पर इसके आगे समेशन का साइन भी लगा सकते हैं, समेशन के पी के क्यू के डॉट माइनस एल। तो हम ये रिलेशन भी यूज करते हैं और ये वाला रिलेशन भी बहुत बार यूज करते हैं। जो करेक्ट रिलेशन होगा वो समेशन वाली फॉर्म में होगा, क्योंकि के की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।